वेलकम टू MBMH क्लासेस। आज हम राजस्थान जीके में प्रमुख अभ्यारण पढ़ेंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलते हैं बिना देरी के, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरुंजा पक्षी, डैम ऑफ सिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2019 में संस्कृत के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसका राइट आंसर है खींचन में। कहाँ पर आते हैं हर साल? खींचन, जोधपुर में। कौन से पक्षी? डेमोसिल क्रेन, कुंजा पक्षी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है बारागढ़ में। शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र कहाँ स्थित है? बारा जिले में, प्रयोगशाला में आया हुआ क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है? निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है? मुकुंद राय राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में से बनाया गया, 1985 में से। तीसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है नेशनल चंबल सेंचुरी, ये बिल्कुल नहीं है, राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? कौवा, हरा कबूतर, काला तेंदुआ, सफेद बाघ। तो राइट आंसर है हरा कबूतर के लिए कौन प्रसिद्ध है? सरिस्का अभ्यारण प्रसिद्ध है। ये 2019 में आयु महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कोटा में। टोडगढ़ कहाँ स्थित है? टोडगढ़ अजमेर में। टोडगढ़ अभ्यारण अजमेर में। वन विहार अभ्यारण कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। बंद बारेट भरतपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनक सागर है रिसर्च असिस्टेंट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बाघ संरक्षित क्षेत्र, कास्ट जीवाश्म शेष पार्क, पक्षी अभ्यारण्य और कृष्ण मर्ग पार्क? तो राइट आंसर उसका पक्षी अभ्यारण है। कौन क्या है? कनक सागर क्या है? पक्षी अभ्यारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन विहार अभ्यारण है कहाँ पर? भरतपुर में, धौलपुर में, कोटा में, स्वाय माधोपुर में। तो इसका राइट आंसर है कहाँ पर वन विहार? धौलपुर में। वन विहार अभ्यारण धौलपुर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? कितने वन्यजीव? 38 वन्यजीव अभ्यारण्य, 25 वन्यजीव अभ्यारण्य, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य और 33 वन्यजीव अभ्यारण्य। तो राइट आंसर 25 वन्यजीव अभ्यारण्य। कितने हैं? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। LDC एग्जाम में क्वेश्चन आया ये। शेर के लिए, सारस के लिए, उड़न गिलहरियों के लिए, काले हिरणों के लिए। तो राइट आंसर है उड़न गिलहरियों के लिए। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण प्रसिद्ध है। यह चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में आदि सीमा, प्रतापगढ़ की स्थित है और आदि किसकी है? आदि चित्तौड़गढ़ की। तो चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के काफी मस्त क्वेश्चन आ गया, काफी जबरदस्त और मस्त। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? चुरू, सीकर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो राइट आंसर उसका बीकानेर। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जो बटबड़ पक्षी के लिए महत्वपूर्ण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन आ गया वापस। निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारणों को उनके सही अवस्थितियों से मिलाइए। रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण कहाँ स्थित है? बूंदी में। जवाहर सागर वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? कोटा में। वन विहार धौलपुर में। ताल छापर चूरू में। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, LDC एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? मुकुंदरा नेशनल पार्क में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, राष्ट्रीय नेशनल पार्क। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में वुड फॉसिल पार्क स्थित है। काजरी का पूरा नाम क्या है? तो काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ये। काजरी का पूरा नाम और मोस्ट है LDC एग्जाम 2018 में आया हुआ है किसने। इसका पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम? काजरी का पूरा नाम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी का पूरा नाम है। कृष्ण मर्ग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? तो उसका राइट आंसर है ताल छापर चुरू का। ताल छापर अभ्यारण कहाँ स्थित? चुरू में, जहाँ पर कृष्ण मर्ग और काले हिरण देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसिवाकाल एवं सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? फुलवारी किनार अभ्यारण्य से। कौन से? फुलवारी किनार अभ्यारण्य से। ये थर्ड ग्रेड एग्जाम 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। मगरमच्छ की प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो उसका राइट आंसर है चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोटा में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है, ये किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर बटबड़ पक्षी, रेत के तीतर के नाम से प्रसिद्ध है ये, कहाँ पर? गजनेर बीकानेर में। राजस्थान का वह एकमात्र अभयारण्य जो उड़न गिलहरी वह है सो सिंगा के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका राइट आंसर सीता माता अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? सीता माता। उन उड़न गिलहरियों को क्या कहा जाता है? मसोवा। क्या? मसोवा, मसोवा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर 1981 में। कब हुई? 1981। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहां पर? धौलपुर में। काफी जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज है ये। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? गंगापुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर है गंगानगर में। गंगानगर में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बघेरों के लिए प्रसिद्ध जिल उदय प्रसिद्ध उदयपुर जिले का वह अभयारण्य जिसमें रूठी रानी का महल स्थित है? तो राइट आंसर उसका जयसमंद अभयारण्य। जयसमंद अभयारण्य बघेरों के लिए प्रसिद्ध है और उसमें रूठी रानी का महल भी स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर एक बार फिर मिलान करनी है। बस्सी अभयारण्य और आई वह ब्रह्मणी नदी बहती है बस्सी अभयारण्य में। शेरगढ़ अभयारण्य में परवन नदी बहती है। सीता माता अभयारण्य में जाखम नदी बहती है और बैंस रोड गढ़ अभयारण्य में चंबल व ब्रह्मणी नदी बहती है। ये क्वेश्चन काफी और भी इंपॉर्टेंट आ गया है। राजस्थान में पहाड़ी स्थल पर स्थित एकमात्र अभयारण्य है कौन सा? माउंट आबू अभ्यारण। कौन सा? माउंट आबू अभ्यारण। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर एक सही कथन का राष्ट्रीय चयन कीजिए। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। केवलादेव उद्यान को कब घोषित किया? 1981 में। यूनेस्को ने इसे 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इसे रामसर कन्वेंशन वेटलैंड में भी शामिल किया जा चुका है। ये चारों कथन सही है। किसके लिए? घना पक्षी गना केवलादेव गना पक्षी अभयारण्य जो भरतपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से वह जिला जहां पर सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र है, तो उसका राइट आंसर है जोधपुर। कौन सा? जोधपुर में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र। राज्य में जैविक उद्यान बायोलॉजी पार्क स्थित है कहां पर? देखो बताओ, राज्य में जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। नाहरगढ़ जयपुर में भी है, सज्जनगढ़ उदयपुर में भी है, माचिया सफारी जोधपुर में भी है। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। राज्य के वे जिले जहाँ पर जंतुवालय स्थित है, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। तो राजस्थान में कितने जिले में है? 6 जिलों में क्या है? जंतुवालय। आपको बताता हूँ मैं, राज्य का पहला जैविक उद्यान नाहरगढ़ जयपुर में बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी जबरदस्त क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण प्रमुख रूप से पाया जाता है मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर में, सोरसनबारा में, सौंकलिया अजमेर में, उपरोक्त सभी जगह पर। उपरोक्त सभी जगह पर गोडावण पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी पाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिद्धों के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है जोहड़ बीड़ बीकानेर में। कहां पर? जोहड़ बीड़ बीकानेर में गिद्धों के लिए पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। कुरुंजा पक्षी विहार कहाँ स्थित? खींचन जो जोधपुर में। राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ है? भरतपुर में, केवलादेव। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुंभलगढ़ अभयारण्य किसके लिए? बेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू अभयारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभयारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। दर्रा अभयारण्य गड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ये गलत है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही, और इसकी PDF लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 2948 9784692948 पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।